नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। अगर आपके पास Redmi, Oppo, Vivo या Samsung का कोई भी मोबाइल है, आप उसको फॉर्मेट करना चाह रहे हैं मोबाइल को, और आप अपने मेल मोबाइल की मेल आईडी को जो है वो भूल गए हैं और उसका पासवर्ड आपको नहीं पता है, तो एक तरीका होता है जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल में एक डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेंगे, तो उसके आपकी जो मोबाइल की आईडी का पासवर्ड जो है नहीं मांगेगा फॉर्मेट करने के। इसके लिए क्या करना होता है आपको, अगर आपके पास मोबाइल है रेडमी का, तो उसमें आपको आना है अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में आने के बाद आपका जो MIUI वर्ज़न दिया हुआ है, इसको जो है कंटिन्यूसली 3 बार क्लिक करना है। जैसे आप इसको 3 बार क्लिक करें, यहाँ देखिए नीचे जो है एक ऑप्शन आ रहा है यू आर नाउ अ डेवलपर, तो ये जो आपका ऑप्शन दिखाई पड़ जाए तो इसको बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद आप आ जाइए एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में आने के बाद आप सबसे नीचे जब आएंगे तो आपको एक दिखाई पड़ेगा, ये देखिए आपको दिखाई पड़ेगा एक डेवलपर ऑप्शन का इस आइकन, इसको जो है आप ओके करें। इसको ओके करने के बाद आपके मोबाइल की सेटिंग में आ जाएगा एक ऑप्शन OEM अनलॉकिंग। जो OEM अनलॉकिंग ऑप्शन है, इसको जब आप ओके कर देंगे, ओके करने के बाद यहाँ पे इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। अब जब इसको आप इनेबल कर देंगे, जब आप ये इनेबल हो जाएगा, तो उसके बाद आप इस मोबाइल को अगर फॉर्मेट कर रहे हैं, आपको मेल आईडी नहीं पता है, तो ये इस पुरानी मेल आईडी को नहीं मांगेगा। ये जो है तरीका होता है रेडमी में। और सैमसंग में कैसे क्या होता है उसके बारे में अभी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, जैसे ये सैमसंग मोबाइल है हमारे पास, इसको आप अगर फॉर्मेट करना चाह रहे हैं आप, तो आपको आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद अबाउट फ़ोन, और इसमें अबाउट फ़ोन में आने के बाद इसमें जो बिल्ड नंबर लिखा होता है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा है बिल्ड नंबर, इसको आपको कंटिन्यूसली 3 बार 4 बार जो है इसको ओके करना है। जब 4 बार इसको आप ओके करेंगे तो उसको बैक होंगे। बैक होने के बाद ये आपको डेवलपर ऑप्शन जो है यहाँ पे इसमें क्रिएट हो जाएगा। जब यहाँ पे आपको क्रिएट हो जाएगा तो वहाँ पे ये देखिए अब OEM अनलॉक का ऑप्शन आ गया, इसको भी यहाँ पे आप ओके कर देंगे और इसको इनेबल कर देंगे। इसको आप इनेबल कर देंगे, आप मोबाइल को जब फॉर्मेट करेंगे आपको, तो इसमें जो पुरानी मेल आईडी पड़ी होगी वो जो है आपको नहीं डालनी पड़ेगी, और आपका मोबाइल जो है वो चालू हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।